जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, बच्चे जो अपनी की है, जो आंसर की है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जारी की जाती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो साथियों, लगभग सभी कोर्सेज की आंसर की जारी कर दी गई है। कुछ कोर्सेज की रह गई थी तो वो कल जारी कर दी गई है, जैसे एमकॉम है तो एमकॉम की भी कल जारी कर दी गई है। दूसरा है एमए फर्स्ट ईयर जो हमारा रेगुलर का है, उसका रिजल्ट भी कल जारी कर दिया गया था, वो भी आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एमए फर्स्ट ईयर रेगुलर, तो उसका भी रिजल्ट आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं अपने एडमिशन को लेकर कि एडमिशन इस सत्र के कब से स्टार्ट होने वाले हैं। साथियों, जो इस सत्र के एडमिशन स्टार्ट होने हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी ने बोर्ड से डेटा की डिमांड कर दी है, यानी कि बोर्ड से, यानी कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, तो इनसे डेटा लिया जाता है। डेटा लेने के बाद में ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो उसकी डिमांड कर दी है। बहुत जल्द डेटा आ जाएगा, हो सकता है इस वीक में आ जाए, तो नेक्स्ट वीक से आपका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, एडमिशन की प्रक्रिया, उसको शुरू कर दिया जाए। अब इससे आगे बात करते हैं जो आज की अपडेट है उसके बारे में। तो साथियों, जो डीएलएड के लिए आवेदन था पहले 10 अगस्त तक था, अब उसको आगे बढ़ाकर कर दिया गया है। डीएलएड में अब आप 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं डीएलएड के लिए, उसकी डेट को बढ़ा दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। 30 अगस्त तक अब आप डीएलएड में एडमिशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे आगे बात करें, जो हमारा एमबीबीएस है, एमबीबीएस के जो एग्जाम होने हैं उसके लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। एमबीबीएस के जो एग्जाम है वो 24 अगस्त से हैं, उसकी जो डेट शीट है वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर जारी कर दी गई है। और साथ के साथ यदि आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिस है, अपडेट है, वो सब सारी चीजें वहां पर मिलती रहेंगी। जो हमारा फेसबुक पेज है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे आगे बात करें, जो सीबीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चे हैं, 10th और 12th वाले बच्चे, उनके लिए जो अपना इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं या उनको लगता है कि जो हमारे मार्क्स हैं वो कम आए हैं या उनकी कोई कंपार्टमेंट है, तो उसके लिए 16 तारीख तक वो आवेदन कर सकते हैं, 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उन्हें अपने स्कूल में ही जाना होगा, अपने स्कूल से ही उन्हें आवेदन कराना होगा। तो 16 अगस्त तक बच्चे अपने आवेदन कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं या कंपार्टमेंट है, तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, उसका उनको एग्जाम देना होगा। तो इसकी जो डेट है वो 16 अगस्त है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। अभी बच्चे बीएड के प्रैक्टिकल को लेकर और जो हमारा बीएड की काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है, उसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए वीडियो का वेट कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।